जय श्री राम। खेती वाले हो? वो आपकी इच्छा है। नाम क्या आपका? मेरा नाम है सुंदर पटेल है सर जी। सुंदर? हाँ जी। सुंदर के सुंदर? हाँ सुंदर 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 पटेल। सुंदर जी सीट बैठ लगाओ। मैं नहीं जा रहा, चोर आया है। नहीं, इसमें लगाओ। हाँ लगा रहे हो क्या? इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, बेल्ट लगाओ। अच्छी तरह से हमारी कहाँ लग रही है? देखो हमारी, देखो कहाँ लग रही है, बताओ ना। लगवाओ की सीट बेल्ट लाओ, मैं लगवाता हूँ। सीखो सीट बेल्ट लगाना करके। जी गाड़ी में बैठो तो ऐसे सीट करके आगे से ऐसे लगाते हैं। इसमें ये लग गई, लग गई। वो आई समझ में? अब जे के झटका लगेगा कभी तो आगे। हाँ ये बात, ऐसे लटका लोगे तो फिर काय, फिर तो ऐसे पहुंच जाओगे उस तरफ। इधर का एंगल बनेगा, बाहर इधर की जगह इधर जाओगे। आप अंदर जी कुछ खाए पिए? आपसे ही बात कर रहे हैं? हाँ वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। पूछा काट हो गया आप हमें? हाँ नहीं नहीं कर लेते, क्या बात है, मन तो है, होना चाहिए ना। देखो फिर आप भगवान के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। वो तो है, भगवान के बिना क्या होगा। हैं अब हम लोग कहें कि हम भगवान है तो हम कैसे हो जाएंगे इंसान? भगवान कैसे बन जाएगा? हाँ नहीं पर लेकिन इंसान बनना है ना हमारी। आठ गुनी हो गए लेकिन चौगनी में ही आदमी फालो, फिर मारो जाए लड़ाई में। ऊपर वाले की लाठी चलती है ना। तो सारे चित्त हो जाते हैं, सारे ने चित्त कर दिए। हमने भी एक नया काम डाला है, हमारे भी दो काम खोले थे दोनों बर्बाद हो गए। अच्छा जी, अभी एक नया काम डाला है उस काम में देखो, और ऊपर वाला हाथ पकड़ ले। आजकल आपने देखा है कि लोग बाहर का खान पीन ज्यादा खाते हैं, चाउमीन हो गई, बर्गर हो गए, तो क्या हो रहा है जो पौष्टिक आहार जो उन्हें मिलता है खाने में वो तत्व खत्म हो गए। अब वो क्या है, सब कुछ जो खा रहे हैं आर्टिफिशियल है, सब कुछ मिलावटी मिलावटी। सब्जी में रात को इंजेक्शन लगाओ, सुबह लोग इतनी बड़ी हो जाती है ना, तो वही वाला हिसाब चल रहा है, सब कुछ मिलावटी है। तो लोगों के बाल है ना आगे के, अब हमारी देखो, दिख रहे हैं आपको, आपके बाल अभी भी टिके हुए हैं। देखो आप पुराने जमाने को, हमारे बाल चले गए, समझ रहे हो। आजकल दुनिया में ये हो रहा है कि लोगों के बाल बहुत जल्दी जा रहे हैं। क्या हम जो दवाई बना रहे हैं वो देसी तरीके से दवाई बना रहे हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो वो दवाई से जो है कि आदमी के जितने बाल उड़े हैं वो दोबारा दो महीने में आ जाए वापस, शरीर के किसी भी अंग के बाल उड़े हों बाल आ जाएंगे। आपको कोई समस्या हो तो बताना, हम आपको सैंपल दे देंगे। तो वो तो हमारे पास तमाम पर कस्टमर है ना, हम आपके पास दे देंगे। आपका भी फायदा होगा उसमें, आपका भी फायदा कराएंगे। इसकी तो बहुत ही बार चल रही है बारन की, तो तुम भाई। हाँ बार बार उड़ गए, थोड़ा खोपड़ी ऐसी हो गई लोगों की, चीकनी चीकनी, शादी नहीं हो रही लोगों की, बालों के बाल ही ना। थोड़े दिन पहले तक हमने दवाई खाना चालू करा, हमारे यहाँ बाल बिल्कुल नहीं था। अच्छा जी, बाल आ गए छोटे छोटे, दिख रहे होंगे आपको, ध्यान से दिख रहे छोटे छोटे हमारे बाल निकल आए। लेकिन बस वो बनाने का जो तरीका है उसका, वो बिल्कुल नेचुरल है। नेचुरल मतलब बिल्कुल कोई दवाई मिलावट नहीं है उसमें। तो वो हम एक चीज से बनाते हैं, जैसे दूध होता है ना, दूध भैंस का दूध यूज नहीं कर रहे हैं हम यूज कर रहे हैं कि इंसान इंसानी दूध। समझे कि नहीं समझे? कैसे इंसान का दूध यूज कर रहे हैं खत्म। इंसान कोई इंसान का दूध नहीं देखा आपने? अभी मजा आएगा ना। अच्छा अच्छा, कैसे पीता है? उससे हम दवाई बना रहे हैं, उसकी दवाई इतना काम कर रही है, बहुत फायदा मिल रहा है लोगों को, अतिरिक्त फायदा। दूध ये होता है कि दूध की मात्रा हमें कम पड़ जाती है, क्योंकि इतना दूध इंसान कहां से लाए है ना, तो कोई उसकी दिक्कत हो रही है। दूध मिलता है रोज तो और बढ़िया काम हो जाए, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी। तुझे बहुत दूध का जी कहानी को ढंग से समझाओ, मेरी अब समझ में नहीं आई है कि तुमने कही इंसान का दूध जाती गई। हां तो समझ नहीं पाए तुम कहते नहीं बेटा। अरे आप तो दूध की कहानी समझाए पहले।
दूध की कहानी तो ये है कैसे भैंस के कैसे दूध निकालते हैं गांव में इंजेक्शन लगा के, हम आदमी के भी दूध निकाल लेते हैं। खत्म। आदमी होता है ना, आदमी के भी इंजेक्शन लगा के हम दूध निकाल लेते हैं। हमें चाहिए होता है 200 ग्राम दूध। आदमी के फिर कैसे दूध निकल जाएगा? इंजेक्शन है हमारे पास, कैसा उसको हम लगाएंगे तुरंत 5 मिनट में दूध बनना तैयार। दूध फूल जाएगा आपका, दूध फूलेगा तो उसमें दूध बनेगा। थोड़ी देर हम दबाएंगे दूध बन जाएगा उसमें, दबाने के बाद दूध बनेगा। जैसे हम दूध निकालेंगे तुरंत आदमी को सामने वाले को बता यार रुक। अच्छा और क्या, क्योंकि उस दूध से हमारी कम से कम बन जाती है 50 डोज। 2500 की 50 डोज लगा लो, हमारे को 2.5 लाख हो गए है ना, तो आपको मिल गया 10,000 रुपया। तो अगर आप चाहो तो आपको भी 10,000 दे दें, आप तैयार हो तो बताओ। ना इंजेक्शन है हमारे पास, सिस्टम है, हम तो अपना भी कर ले। अभी सुबह सुबह निकाल के आए, देखो देखो निशान बनना है, अभी सुबह निकाला है। सामान दिखाओ, इंजेक्शन हम इसमें भर के लगा देते हैं। फिर जे वाली कुप्पी से हम पहले तो मुंह से खींचेंगे, इसे पकड़ना बताया तो समझ ला, ऐसे लगाएंगे, पकड़ो यहाँ पर है ना, मजा ऐसे मुंह से जोर से करके खींचेंगे तो जहाँ में दूध आ जाएगा। अब फिर तुरंत हम बोतल खोल के बोतल में फिट कर देंगे, जाए तो दूध भर जाएगा। 200 ग्राम दूध निकालेंगे, तो एक काम कर, इनके इंजेक्शन लगा और गिलास पहन चले। 200 ग्राम दूध चाहिए मेरी बात सुनो, 200 ग्राम दूध चाहिए मेरी बात सुनो, जरा एक बुक ऑफ निकाल बात तो सुनो, हमें दूध चाहिए, मैंने तुम्हारा बन जाएगा, दिक्कत थोड़ी आ रही है। अरे झूठ बात, अरे 200 ग्राम दूध चाहिए, मैं और किसी का करवा दूंगा, तुम्हारी ऐसी नहीं बात है, आप सही है, लेकिन भाई देखो मैं नहीं कर सकता, तुम निकाल इंजेक्शन खोल, मैं काम को नहीं कर सकता। अरे भाई साहब सुनो, ऐसे में मेरे को तुम बोला मैं ही बता देते तो मैं आपके सामने बैठ बात सुनो सर, हमारे 200 ग्राम दूध में काम नहीं करूंगा, 200 ग्राम दूध बात सारी बात नहीं करते भाई, कुछ नहीं है बस। अरे भाई साहब सुनो, 200 ग्राम दूध में आप मत बोलो, 200 ग्राम दूध। अरे सुनो भाई, अरे 200 ग्राम पकड़ लो, अरे कुछ नहीं है, थोड़ा सा दर्द होगा बस, रुक जाओ, मैं क्या फायदा मैं बन गई रोड पे वाल में। अरे कुछ नहीं है, 200 ग्राम दूध दे दो भैया। नहीं सुनो सर, तुम अरे मैंने भर लिया, नहीं 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 मेरे वाले आदमी के थे पीठ पे। अरे 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 दो अरे भाई अरे दो अरे अपने भैया अरे दो सर अरे मैं भर गया बोल रहा हूं यार, बात तो सुनो एक में, भाई से भाई से 200 ग्राम अरे वो किया अरे वो कुछ नहीं है, वो कोई मेरा खून चूस रहे, कुछ कुछ चाह दे दो, इंतजार कर रही है। अरे भाई साहब सिर्फ ये समझाते हैं कि किसी मोड़ने वाले को नहीं बैठनी चाहिए, आजकल बहुत भाई एक इंसान इंजेक्शन लगा के लिए हम वीडियो बनाने के लिए हम वीडियो लोगों को ये समझाने के लिए कि किसी अनजान की गाड़ी में अपना चैनल दिखाते हैं, मजाक करते हैं, नहीं मजाक नहीं करते हैं, शांत हो जाओ, मेरे को मार रहे भाई, नहीं मार रहे आपको, नहीं मार रहे, बोतल ले रहे, बोतल भर ले, मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो साला। एसी चलाऊं मैं आपको, एसी चलाऊं, रुको रुको
नहीं नहीं ऐसी तेजी में चलाइए हम वीडियो बना रहे थे आपके साथ, सिर्फ मजाक कर रहे थे हम लोगों को। ये हम लोगों को ये समझाते हैं किसी अंजान की गाड़ी में ना बैठे, कभी नहीं बैठना चाहिए। हम लोगों के साथ कोई गलत काम नहीं करते, हम लोगों को यही समझाते हैं किसी अंजान की गाड़ी में ना बैठे। अब हम भैया को थोड़ा समझाते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ये नहीं बोलने देंगे तो फिर इनका तोहफा बहुत वीडियो में इनका तोहफा इन्हें दे दूंगा। इसी तेज चला रही थी, आवाज खराब आ रही थी, कुछ नहीं चाहिए। लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। भैया को समझाता हूँ, बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है, तो अब मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा आगे। तो देखो अभी भी घबराए हुए, तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।